अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज लेकर आई हूँ पोटैटो चीज़ बॉम्ब्स की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही यमी है और बनाने में बहुत ही इजी। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम्स उबले हुए आलू। इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम्स चिकन, जिसे मैंने हाफ चिकन क्यूब के साथ बॉईल किया हुआ है। एक अदद लीमू का जूस ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक या फिर हसबे ज़रूरत, 1 टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ बंच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें चाहिए 1 अदद अंडा और इसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अब हम पोटैटो बॉम्ब्स तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसे कबाब की तरह फैला लेंगे। अब इसमें एक क्यूब रखेंगे मोज़रेला चीज़ का, इसे अच्छे से कवर कर देंगे और राउंड शेप दे देंगे इसको। इसी तरह से हम तमाम बॉल्स तैयार कर लेंगे और टोटल 6 बॉल्स बन के तैयार हुए हैं। अब सबसे पहले हम इसे मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे, अंडे में इसको डिप करेंगे और लास्ट में ब्रेड क्रम्स के साथ हम इसे कवर कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक बॉल तोड़ के दिखाती हूं कि देखें कितना चीजी और यमी सा है, सॉफ्ट सा, क्रंची सा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।